चले चल जा जा। जी राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ अच्छे भी रहिएगा। और ये मैं रायता बनाने के लिए काला नमक पीस रही हूँ। और यहाँ पे किए हैं मैंने बर्तन साफ़, मैंने सब्जी बना ली है, चाय के बर्तन थे कुछ। हमारे यहाँ सुबह 2 बार चाय बनती है, तो ये दोबारा की चाय के हैं। सब्जी बन गई है, आटा गूँथ के रख दिया है। और ये मैं गर्म पानी लगाऊंगी, इसलिए मैंने बकेट भर ली है, क्योंकि बच्चे अभी गर्म से ही नहाते हैं, ठंडा मौसम है गांव में। हम लोग घर का काम ख़त्म करके आज सुबह जल्दी ही मतलब हरा काट के ले आए थे, क्योंकि शाम को पशुओं को जब हम चारा डालते हैं ना, तो उससे पहले लानी होती है, तो तब बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो हमने सोचा आज सुबह ही काट के ले आते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम भी रहता है और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो दोनों ने मिल के काटा तो जल्दी कट गया, इसलिए पहले ही ले आए। पग चारा गोद के नहीं रखा, क्योंकि भभक जाता है वो मतलब ऊपर ऊपर से सूख जाएगा, अंदर से भाप से निकलती एकदम गरम गरम। आप अगर गांव से हैं तो शायद आप जानते होंगे, पता है सभी के गेहूं कट रहे हैं और अब खेतों पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो घर पे मतलब घर के काम तो बस ऐसे ही हैं। हमने बुज्जी बुज्जी तैयार कर दी है, आपने देखा होगा वीडियो में, बुज्जी बना दी है। और सारा बुज्जी में नहीं आता, क्योंकि दोनों दो खेत हैं हमारे, तो एक मतलब डेढ़ खेत का तो बुज्जी में भर देंगे, जो थोड़ा बचेगा वो वहाँ जो घेर में कमरे हैं ना दो, उसमें एक में भर देंगे। तो हमने काट ली है पर्सी और अब हम जा रहे हैं घर को। उठा के मेरे हबील ले जाते हैं, मैं नहीं ले जाती, क्योंकि मैं जब ले जाती हूँ जब वो नहीं होते, तो ये लेके जा रहे हैं पर्सी। और ये देखिए ये कौन है प्यारा सा, ये है खरगोश, गांव में खरा बोलते हैं। तो ये जंगल में मिला था, हमारा जो एक खेत कट रहा है दूसरा वाला, उसमें जो लांक होता है ना, जो गेहूँ इकट्ठे करके रखते हैं, तो ये उस इसकी जो मम्मी है, मतलब जो खरगोश मादा थी ना, वो अभी अभी शायद इसने डिलीवरी की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत से बहुत 1 दिन का होगा ये, 1-2 दिन का, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो छोड़ के चली गई थी। तनु क्या कर रहे हो? अच्छा हाय नहीं बोली आज तनु, तनु हाय नहीं बोली। हाय कैसे हो? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, है ना? मैं ये अपने जो फॉरहेड के हेयर्स हैं ना, उनको क्लीन कर रही हूँ। अभी मेरा आईब्रो बनाने का मन नहीं है, तो अभी कोई फंक्शन भी नहीं है और मन भी नहीं है, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनाती, तो मैं बस फॉरहेड क्लीन करूँगी। तो थ्रेड में मेरा मन नहीं है चलाने का, बहुत जलन होती है थ्रेड से और सारे हेयर भी नहीं निकल पाते, तो इसलिए मैं जो है ये वीट की जो स्क्रिप्ट आती है ना, बैक स्क्रिप्ट जो आती है, ये वो है, इनको पतला पतला कट कर रही हूँ। तो मैं इनसे ही हेयर क्लीन करूँगी अपने फॉरहेड के। तो अगर आप ये टिप्स आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं, इससे ना कोई स्किन को हार्म्स होता है और स्किन पे से जो डस्ट और जो मतलब गंदगी जो भी होती है ना हमारी स्किन के ऊपर, वो सब निकल जाती है इसके साथ। तो मुझे ये सबसे बेटर लगते हैं, मैं अपर लिप्स और ये इसी से करती हूँ। और थ्रेडिंग मैं कभी कभी बनाती हूँ, जैसे 2 महीने में या 1.5 महीने में ऐसे बनाती हूँ। तो अभी मेरा मन नहीं है, मैं फिर जब बनाऊँगी मैं आपको दिखा दूँगी, और मैं खुद ही बनाती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की हो पहले, तो मैंने आपसे भी शेयर किया है एक वीडियो में कि मैं कैसे थ्रेडिंग बनाती हूँ, तो मैं ये बना लूँ, फिर वह फेलो शेयर जाना है। ये पता है अगर आप ऐसे
कहीं के भी क्लीन हेयर्स जो है ना क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग है ना डरते हैं कि फेस पे मतलब ये यूज़ करें ना करें, नहीं काफ़ी अच्छी है, आप कभी यूज़ कीजिएगा। और हम लोग अभी शाम को जाएंगे, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, वो ही जाएंगे, वो जो बेबीज़ लेके आए थे ना हम लोग, रैबिट के दो लाए थे, दो थे एक साथ, तो एक हमारी जेठानी उनके यहाँ पे है और एक हम ले आए थे बच्चों को खिलाने के लिए, अभी उनको शाम को करके आना है। तो शायद उनकी मम्मी लौट आए तो रात को गेहूं की जो वो होते हैं ना, जहाँ उसने हमें जो मिले थे वहीं पे रख देंगे, तो शायद उनकी मम्मी उनको लेने आ जाए ढूंढते ढूंढते। तो ये शाम को पशुओं को चारा डालने से पहले हम लोग चारा गूंदने गए थे। गाइज अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करें। मैं अभी अभी बरसी बुधवा खेई हूँ, मेरी सांस फूल रही है, मैं पहले फैन चला लूँ। आज पता नहीं क्यों थक गई चारा गोदने में। ये देखो मैंने अपनी चिड़ी नहीं दिखाई थी ना आपको, फॉरर जो क्लीन किया था, ये देखो पास से दिखाती हूँ, ये मेरी थ्रेडिंग अभी इतनी है नहीं, हल्की हल्की है पर है हल्की है, शायद आपको दिखाई ना दे रही हूँ। तो मैंने बनाई नहीं, कम बनाई, एक्स्ट्रा बाल थे वो निकाल ली उसी से। आप पता है ये टिप्स है ना बहुत ही अच्छी रहती है, मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप सफ़र भी कर रहे हैं ना, तब भी आप चलते सफ़र में भी कहीं भी ट्रेन में बस में, तो आप ही ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताइएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो खाना बस सासू माँ के लिए बनाया है, उनके लिए फुलकियाँ बनाई मैंने और चटनी थी, और सुबह सेमी आलू बनाए थे तो वो थे, वो उनसे खा लेंगी। और हम बना रहे हैं आज ब्रेड पकौड़े, हमारा मन है, लॉकडाउन का हम लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ बना रहे हैं। तो बनती हैं, हालांकि वैसे भी बनती हैं पर अभी घर पे हैं अभी ज़्यादातर, तो अभी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। और जब थके हुए होते हैं ना तो खाने में मज़ा आता है, अच्छी लगती हैं चीज़ें, मतलब सुबह से शाम तक काम करो फिर आराम करके फिर कोई अच्छा बनाओ। तो इसमें मैंने वो नॉर्मली सारे मसाले डाल लिए हैं, जैसे साबुत धनिया, फिर हरा धनिया, मिर्ची हरी, खटाई, गरम मसाला और नमक, ये सब चीज़ें डाली हैं। और ये ब्रेड की स्टफिंग कर ली है और ये घोल तैयार कर लिया, घोल थोड़ा पतला हो गया, मैं इसमें थोड़ा बेसन मिलाऊंगी और अरारोट डाला था। और ये देखिए बन गए हमारे ब्रेड पकोड़े, तो आ जाइए गरम गरम खा लीजिए, ये देखिए तैयार हैं। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, नमस्कार।